नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय महल बैंकेट एंड क्रूज सेशन। महल बैंकेट क्रूज सेशन। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। लोक आस्था का महापर्व चार दिवसीय छठ पूजा रविवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ। यूं तो पूरे शिल्पांचल में छठ पूजा की धूम रही, लेकिन कल्ला स्थित प्रभु छठ घाट में धर्म के साथ देशभक्ति की अनुपम छटा दिखी। लोक आस्था के महापर्व को लेकर कल्ला स्थित प्रभु छठ घाट अनोखी छटा बिखेर रही थी। यहाँ धर्म के साथ सामाजिक कार्य और देशभक्ति का मेलबंधन देखने के लायक था। यहाँ पर पुलवामा के शहीदों की याद में स्मारक बनाए गए थे, जहाँ शहीद हुए सभी जवानों की तस्वीरें लगाई गई थी। साथ ही यहाँ चंद्रयान की आकर्षक झांकी भी प्रस्तुत की गई थी। राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल के प्रथम नागरिक मेयर जितेंद्र तिवारी, पुलिस आयुक्त देवेंद्र सिंह, उपमेयर तबस्सुम आरा, रानीगंज के पूर्व विधायक सौराब अली, त्रिंका नेता अमरनाथ चटर्जी सहित कई गणमान्य लोग यहां पहुंचे, जिन्हें ली क्लब के अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने सम्मानित किया। साथ ही यहाँ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एवं स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। घाट पे उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए समाज सेवी सह ली क्लब के अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि इस घाट में सेवा का कार्य उनके बड़े भाई स्वर्गीय प्रभु ने शुरू किया था, जिनके नाम पर ही इस घाट का नाम प्रभु छठ घाट रखा गया है। हमारे सूर्य देवता, ये मूर्त भगवान, एक मूर्त भगवान हमारे जो सूर्य देव हैं, उनको उपासना आराधना हम करते हैं। आप, मैं यहाँ मंच पे जो खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं दाहिने हाथ में एक सपोर्ट लिया हूँ। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, 1.5 महीने से ये अथाह परिश्रम चल रहा है। करीब 7 दिन हो गया, हम 2 घंटा भी सोए नहीं हैं, भावुक हो गए थे। ये 42वां जो साल है, ये जो छठ त्योहार, मैं थोड़ा भटक गया, मैं बताता हूँ फिर से। ये हमारे जो भ्राता श्री, कल भी मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि 42 साल पहले ये छठ घाट इस तरह का परिस्थिति नहीं था। इस तरह का ये दृश्य कल्पना के परे है, आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। 42 साल पहले ये घाट में 10-15 लोग आया करते थे। ये मोमबत्ती लगा करके, लांटेन लगा करके ये घाट में हमारे सोम प्रकाश भैया और हमारे विजय भैया, प्रभु भैया, कन्हैया मंडल जी, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, 2-4-5 नाम और है जो आप लोग नहीं जानते हैं। फेकू भैया जो है, फेकू भैया देखिएगा, बाईपास में साइकिल स्टैंड चलाते हैं, वो थे, कल्लू भाई थे, और भी बहुत सारे ये लोग शुरुआत किए थे। आप 42 साल पहले सोम प्रकाश भैया, सभी ली क्लब के जो जितने भी सदस्य थे, सभी ने चालू किया। उस टाइम हम लोग काफी छोटे थे। आप उसके बाद हमने 10 साल में जब होश संभाला साथ में, ये परंपरा सोम प्रकाश भैया का देहांत होने के बाद पूरा कमान प्रभु भैया पे चला गया और सारे ली क्लब के सदस्य और प्रभु भैया, विजय भैया का अद्भुत, विजय भैया को आप सोच नहीं सकते हैं, शांति प्रवृत्ति के इंसान हैं विजय भैया, कम बोलते हैं, अद्भुत नजारा है,
उनका मार्गदर्शन पे सोम प्रकाश भैया के मार्गदर्शन पे प्रभु भैया चले, प्रभु भैया के मार्गदर्शन पे विजय भैया चले, विजय भैया के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं और आने वाला जो है हमारा पीढ़ी, ये जब तक ये खानदान ये पूरा परिवार ब्लड रहेगा जिंदा रहेगा, ये प्रभु छठगात हमेशा अमर रहेगा। ये सदियों सदियों, मैं नहीं जानता हूं मेरा आयु क्या है, मैं कब तक जीवित रहूंगा पता नहीं है, हो सकता है कि हजारों बरस ये परंपरा चलता रहेगा क्योंकि ये कलयुग है। आप सतयुग चला गया, त्रेता युग चला गया, एक कलयुग में है। हम लोग, हम सभी को आह्वान भी करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इसके बाद राजीव है, राजा है, शनि है, जितने भी है, रजनीश भाई आप इनका भी, रजनीश भाई छोटा भाई है, सभी मने जितने भी नाम लिया जाए मंच पे, अभी देखिए तबलादा है काजल जी हैं, हमारे समीर राठी जी है, कुंडू दादा हैं, और जितने भी म्यूजिशियन भाई है हमारे मंच पे, हमारे गुरु जी बागेश तिवारी जी जो हमें पढ़ाया लिखाया, उनके आदर्श भी है तो उनका आदर्श पे भी हम लोग चल रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, हमारे माता पिता, पिताजी अर्ध समाजी थे, पिताजी 30 साल संन्यास ले लिए थे, 30 साल, एक 30 साल बोलते हैं कि 10 एक युग, 14 साल बोलते थे कि राम जी के भाई वनवास हुआ था, हमारे पिताजी 30 साल वनप्रस्थ थे, हमारे माताजी, पिताजी के भी देहांत हो गया, माताजी के भी देहांत हो गए। हम जो सामाजिक जो कार्य करते हैं, हमारे माताजी, पिताजी, भ्रताश्री, आप देखिए हम लोग कितने छोटे थे, आज हमारे घर में सोम प्रकाश भैया का फोटो तक नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं किस गरीबी में थे हम लोग कि एक हमारे भ्रताश्री का फोटो नहीं है, नहीं तो उनका भी लगता। तो मैं सभी को ये बोल रहा हूं, फिर आता हूं उसी जगह पे कि आप आतिशबाजी में, और एक चीज आपको बता दूं कि प्रशासन, प्रशासन का जो मदद रहा है वो परे है, वो प्रशासन काफी मदद किया है इसमें, और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, कल सुबह में 10:30 माननीय मेयर साहब, विधायक जितेंद्र तिवारी जी यहाँ पूरा निरीक्षण किए, काफी देर समय बिताया, 3 पक्का हमारे माननीय मौलाई घटक साहब, हमारे बड़े भाई, वो भी 3 बोले थे, 3 आ गए। हमारे कमिश्नर साहब भी एकदम टाइम के पंचुअल है, और हमारे जितने भी अधिकारी ये प्रशासन के सभी टाइम से तत्पर थे। मैं उनको, उनका इतना तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है प्रशासन के लिए मैं कह सकूं प्रशासन के इतना मदद था। और हमारे मंच पे अमर चटर्जी जी थे, हमारे मंच पे बहुत पुलिस अधिकारी जी थे, माननीय व्यक्ति थे, और समाज के विशेष विशेष लोग थे। तो मैं फिर बोल रहा हूं, आह्वान करता हूं कि छठ घाट पे आतिशबाजी ना करें, इससे प्रदूषण के साथ में माताएं बहनों को कष्ट भी होता है, छठ में पूजा में अर्चना में बाधाएं भी आती हैं। तो आपने मेरा बात को मेरा रखा, और मैं इसको, इसके लिए शुक्रिया अदा भी करता हूं।
आने वाले दिन में 2020 में यहां से मैं तो बोल दिया कारपेट बिछाऊंगा, ब्लड डोनेट कैंप भी रहेगा। और ये देखा हमने गंगा जल, ये आने वाला जो गमछा कम पड़ गया, गंगा जल कम पड़ गया और बहुत सारे चीज कम पड़ गए। ये 2020 में आपको पूरा मिलेगा ईश्वर छठ माँ का कृपा से। आप लोग मेरे पूरे टीम के लिए, मेरे लिए आप छठ मैया से प्रार्थना करिए कि माता हम लोग को स्वस्थ रखे, सूर्य देवता हम लोग को स्वस्थ रखे। आगे 2020 में आपको मैं कोशिश करता हूं कि जो बोलूं वो करूं। 2020 अद्भुत होगा, इससे बढ़ चढ़ के होगा 2020। इतना ही नहीं, महापर्व के इस पावन मौके पर समाज सेवी सह लीग क्लब के सचिव कृष्णा प्रसाद ने एक उद्देश्य के तहत यहां रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें लगभग 26 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। इसके अलावा ईसीएल की टीम ने यहां निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया, जिसका लाभ कई लाभुकों ने उठाया। फैशन की बात ही कुछ और है, जहाँ लेडीज के लिए ऑल टाइप ऑफ साड़ी, लहंगा, कुर्ती, प्लाजो, गाउन, सूट, ऑल टाइप ऑफ जींस। वहीं जेंट्स के लिए फॉर्मल शर्ट, पैंट, टी शर्ट, बरमूडा, जींस मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। साथ ही साथ पूजा ऑफर में 20% तक की छूट और अट्रैक्टिव गिफ्ट्स तो आज ही आए। हमारा पता है मुर्गा सॉल, जीटी रोड ऑपोजिट मालती मंगल प्लाजा, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इन्फोकॉम में। एसके इन्फोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे, हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इन्फोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना एसके इन्फोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इन्फोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड, इतवारी मोड़। इस मौके पर यहां लीग क्लब की ओर से सूप, धूप, गंगा जल, माचिस, गमछा, साड़ियां इत्यादि छठ व्रतियों में वितरित किए गए। वहीं दूसरी तरफ छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुराना स्टेशन से ग्रीन कारपेट बिछाते हुए समाज सेवी कृष्णा प्रसाद को देखा गया। साथ ही कमेटी के राजीव प्रसाद, विजय प्रसाद, सनी प्रसाद, रजनीश पांडे और सुदीप पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे।
चिकित्सा समाज सेवी कृष्णा प्रसाद का क्रेज भी यहाँ साफ देखने को मिला। क्या छोटे क्या बड़े, यंग जनरेशन की युवा शक्ति में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। साथ ही कृष्णा प्रसाद के कहे अनुसार कई घाटों पर लोगों ने आतिशबाजी से परहेज किया। इतना ही, अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखना ना भूले खबर आसनसोल। नमस्कार।